तो फाइनली आज वो घड़ी आ चुकी है जिस टॉपिक का बहुत लोगों को ये बेसब्री से इंतजार था। बहुत से लोग जैसे आप लोगों को या मेरे दोस्त लोग ये पूछते हैं, मैं उनको भी आंसर ये नहीं देता हूँ, लेकिन आज वीडियो बना रहा हूँ तो उन्हें भी आंसर ये मिल जाएगा कि भाई डेली एप्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, और नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि भाई डेली एप्स क्यों नहीं लगाना चाहिए और लगाना चाहिए, पहले बाद में बात करेंगे। तो इतने टाइम से मैं इतनी किताबें पढ़ के, इतने लोगों के वीडियो देख के, दूसरों का एक्सपीरियंस देख के और मेरा खुद का एक्सपीरियंस देख के भी जान के मैंने ये इस नतीजे पे आया हूँ मैं कि हमें डेली एप्स नहीं लगाने चाहिए। तो अभी आप लोग वीडियो को बंद मत कर देना क्योंकि आगे बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि आधे में आप देखोगे तो आधा अधूरा ज्ञान आपको मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखो आप। तो आज बात करते हैं भाई कि डेली एप्स लगाना क्यों नहीं चाहिए। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जैसे आप लोगों को सबको मालूम है कि मैं जिम में ट्रेनर हूँ, और जिम में ट्रेनर हूँ तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, नए हर दिन नए नए क्लाइंट्स आते हैं। बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग फैट लॉस के लिए आते हैं। फैट लॉस के लिए बहुत सारी और मशीन्स भी है, जैसे आप लोग को मालूम है कार्डियो वगैरह बहुत सारी ये सब चीज़ें भी यूज़ होती है, मशीन्स भी यूज़ होती हैं। तो जो भी नया बंदा आता है, जैसे एक बंदा था, उसका नाम मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, वो बंदा आया, थोड़ा बिगनर था, नया था और थोड़ा सा वेट उसका ज़्यादा था। तो वो गया ट्रेडमिल के ऊपर, एक दो दिन मैं देखा उसको कंटिन्यू कि वो ट्रेडमिल जाता था, ट्रेडमिल पे वर्कआउट करता था अपना, 15 आधा घंटा करता था, 45 मिनट करता, टाइम बढ़ाते जाता था। उसके बाद में वो डेली एब्स की मशीन पे चले जाता था और अपना सेटअप्स लगाता था। ऐसा मैंने कुछ दिन तो उसको नोट किया, और एक दिन मेरे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया, मेरे क्योंकि भाई मैं ट्रेनर हूँ, मेरे को सब लोग को ध्यान रखना मेरा काम है, इसीलिए मुझे कंपनी मेरे को पैसा देती है। तो मैंने जाके उनसे पूछा मैंने कि मेरा भाई आप डेली एब्स क्यों लगाते हो और डेली कार्डियो क्यों करते हो। तो बोलता है सर मुझे केवल फैट लॉस करना है, मैंने बाकी मशीन्स भी तो है, आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो। तो वो मुझे क्या जवाब देता है, बोलता है सर मुझे बॉडी नहीं बनानी है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि भाई, इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि शायद उसको इस बारे में पता नहीं है कि उसे किस तरीके का वर्कआउट करना है, क्योंकि वो कार्डियो पे जाता था, उसको ये लगता था कि कार्डियो मशीन केवल वेट लॉस के लिए ही है, और एब्स पे इसलिए जाता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि इससे मेरे एब्स की मसल डेवलप होगी, मेरी तोंद कम होगी। तो मैंने उसको समझाया अच्छी तरीके से, डिटेल समझाया, तो वो आज की डेट में अच्छा खासा वर्कआउट करता है दूसरी मशीनों पे, और सेटअप्स भी कम लगाता है, और हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं करता है वो। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि भाई डेली एब्स आपको नहीं लगाना है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप हर मसल को कितनी बार आप वर्कआउट करते हो, तो आपका मैक्सिमम बहुत से लोगों का यही जवाब होगा कि सर हम 2 बार तो करते ही हैं। तो कि जैसे मैं 1 डे 1 मसल करता हूँ, तो खैर वो बात अलग है। अभी बहुत मैक्सिमम लोगों की बात हुई कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई हम 2 बार ही करते हैं मसल को, तो भाई वो भी तो आप लोगों का मसल है, उसको क्यों दूसरा पराया दोस्त समझ रहे हो आप। तो अभी आपको समझ में आ गया है कि हमको बाकी मसल के साथ में उसको भी ट्रेन करना है। अब कैसे, किस मसल के साथ में ट्रेन करना है, जो आपका बॉडी का छोटा मसल होगा। मैं पहले भी आप लोगों को ये समझा चुका हूँ कि बॉडी के मसल को हमेशा पहचानो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। इस पे हम एक डिटेल वीडियो, अगर आपका कमेंट्स आएंगे ना तो बिल्कुल इसको वीडियो में बना दूंगा, चिंता मत करना, आने वाले टाइम में वो भी आ जाएगा। तो इसको बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर के साथ में भी ट्रेन कर सकते हो एब्स को, जैसे अपर एब्स हो गया, लोअर एब्स हो गया, एक दिन अपर एब्स ले लो, फिर 2-3 के बाद में लोअर एब्स ले लो, इसे वर्कआउट करके थोड़ा सा मतलब कॉम्बिनेशन रखो उसके अंदर, अलग अलग टाइप के वर्कआउट। जैसे एब्स लगा रहे हो तो फिर बेसिक क्रंचेस कर रहे हो तो फिर प्लैंक कर लो, हैंगिंग नी रेस कर ले लो तो नी रेजेस कर लो, लेग रेजेस कर लो, अलग अलग तरीके के वर्कआउट, मतलब वेरिएशन होने चाहिए, मज़ा आना चाहिए ना यार। अगर मज़ा नहीं आया तो फिर क्या मतलब है। तो अभी हमें समझ में आ गया है कि हफ्ते में 2 बार वर्कआउट करना ही बहुत होगा, लेकिन 3 से 4 बार या 5 बार कौन कर सकता है वर्कआउट,
एब्स का, वो कर सकते हैं भाई जिन जिनका फैट परसेंट कम हो, जिनको बिल्कुल एब्स दिखते हो, थोड़े बहुत दिखते हो, वो कर सकते हो, कर सकते हैं मतलब। तो आपको सब क्लियर हो गया कि हफ्ते में 2 बार किनको करना चाहिए और 4 बार किनको करना चाहिए। एक बात और मेरे जहन में आ रही है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अगर जिम में जाते हो, अभी जिम क्या छोटा बड़ा नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम जिम में सेशंस होते हैं, देखना सेशंस होते हैं। तो सेशंस में क्या होता है, जैसे एक दिन मंडे को एब सेशन होगा, तो दूसरे दिन योगा होगा, तीसरे दिन जुम्बा होगा, चौथे दिन आपका एरोबिक्स होगा, पांचवें दिन फिर वापस एब्स होगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए जैसे मैं सेशंस लेता हूँ तो हम मेरा मंडे का दिन रहता है और फ्राइडे का दिन रहता है एक वीक का, फिर दूसरे ट्रेनर का रहता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि भाई हफ्ते में 2 ही बार हम लोग सेशन के टाइम भी करवाते हैं। तो चलो फिर थोड़ा कहानी बता के, थोड़ा मजे से मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश करी हो और थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा। तो चलो फिर वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। बहुत दिन बाद में, दिनों के बाद मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ भाई। तो चलो फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो करते रहो, और थैंक यू इतना आपने इम्पोर्टेंट टाइम मुझे दिया है, अभी जो भी आपने टाइम देखने में दिया मेरे को, तो उसके लिए भाई थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप कमेंट्स करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।